स्वागत है आपका आप पिक्सेल वेक्टर ग्राफिक्स में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और इंकस्केप के आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे फ्लायर का प्रिंटिंग का लेआउट। प्रिंटिंग का लेआउट क्या चीज है और प्रिंटिंग के लेआउट में ब्लीड, क्रॉप मार्क, इनर मार्जिन, इनका क्या काम है, किस तरह से क्रिएट करेंगे, सारी चीजें डिटेल में मैं बताऊंगा। वीडियो पर पूरा बने रहिए क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का, आइए स्टार्ट करते हैं। तो इंकस्केप जैसे ही हम ओपन करते हैं, एक बाय डिफॉल्ट A4 साइज का पेज हमारे सामने ओपन होके आ जाता है। सवाल सबसे पहले ये उठता है कि लेआउट क्या चीज है। देखिए, प्रिंटिंग वाली कोई भी चीज हम बनाते हैं, कोई भी चीज हम बनाएं, तो उससे पहले एक लेआउट हमें क्रिएट करना पड़ता है। लेआउट का सीधा सा मतलब है एक दायरा, ठीक है। अब यू सपोज कीजिए कि एक प्रिंटिंग वाली चीज के लिए एक हम शीट लेते हैं, ठीक है, शीट यानी कि पेपर। उस पेपर का एक साइज होगा, उस साइज के मुताबिक हम एक दायरा या एक लेआउट को क्रिएट करेंगे ताकि जो हम प्रिंट कर रहे हैं उस साइज के ऊपर प्रॉपर तरीके से आए, वो आउट ना जाए। तो इसलिए एक प्रिंटिंग का लेआउट को हम क्रिएट करते हैं। उस लेआउट में आता है ब्लीड, रजिस्ट्रेशन मार्क, क्रॉप मार्क, इनर मार्जिन और साइज। ये सारी चीजों को हम क्रिएट करेंगे और क्या काम आते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन करके, ठीक है। वीडियो पे पूरा बने रहिए। तो सबसे पहले साइज की बात कर लेते हैं। तो साइज आज हम A4 का प्रिंटिंग का लेआउट देखेंगे। तो A4 के प्रिंटिंग के लेआउट में हम बैक टू बैक का लेआउट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। आप इसको सिंगल साइड के लिए भी यूज कर सकते हो और इसको बैक टू बैक के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर सिंगल साइड के लिए यूज करोगे तो आपको एक ही पेज क्रिएट करना है और बैक टू बैक के लिए आपको दो पेज क्रिएट करना है, यानी कि एक फ्रंट साइड के लिए और एक उसके बैक साइड के डिजाइन के लिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले जी साइज ले लेते हैं। साइज लेने के लिए जाएंगे हम फाइल में और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। आगे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जी आ जाएंगे फॉर्मेट में। यहाँ अगर आप A4 नहीं नजर आ रहा है तो ISO A में आकर आपने 210x97 mm में ये वाला साइज हमने ले लेना, ठीक है। ये A4 का साइज है। अब जरूरी नहीं है फ्लायर इसी साइज का होता है, इससे छोटा बड़ा भी हो सकता है, कोई कस्टम साइज भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर A4 साइज में ही बनाया जाता है फ्लायर, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो यहाँ पे आप कस्टम साइज ले सकते हो। और ओरिएंटेशन यहाँ पे हम ले रहे हैं पोर्ट्रेट, ठीक है। जरूरी नहीं है पोर्ट्रेट, आप लैंडस्केप में भी बना सकते हो। कुछ फ्लायर ऐसे भी होते हैं जिन्हें लैंडस्केप में भी बनाया जाता है, पर हम पोर्ट्रेट साइज का बना रहे हैं। यूनिट पे ध्यान रखना, आप जिस भी यूनिट को पसंद करते हो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच, जिसमें भी पसंद करते हो वो यूनिट आप लेके काम कर सकते हो। मुझे ज्यादातर मिलीमीटर ही पसंद है तो मैं मिलीमीटर में काम करना पसंद करता हूँ। अब एंटर प्रेस करेंगे और हमारा साइज क्रिएट हो गया, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले जी यहाँ पे आ जाए तो दो पैनल आपको चाहिए। सबसे पहले लेयर एंड ऑब्जेक्ट्स का, फिल एंड स्ट्रोक का। अगर ये यहाँ पे नहीं नजर आ रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए एरो में और यहाँ पे देखिए लेयर एंड ऑब्जेक्ट का पैनल और फिल एंड स्ट्रोक का पैनल। अगर कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो आप नया वर्जन इंस्टॉल कर लीजिए, 1.4 अभी नया वर्जन ही है। लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद जी यहाँ पे आ जाए, स्नैपिंग को ऑन जरूर कर लीजिए। उसके बाद हम लेंगे एक रेक्टेंगल और फिल ले लेंगे किसी भी कलर का। स्ट्रोक को मैं खत्म कर रहा हूं और इस अपने एक्चुअल साइज के ऊपर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेंगे। याद रखिए ये है हमारा एक्चुअल साइज। अब हम ब्लीड, क्रॉप मार्क, रजिस्ट्रेशन मार्क को क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके लिए डी सेलेक्ट करेंगे सब कुछ, एक्सटेंशंस में जाएंगे, डॉक्यूमेंट, लेआउट और यहां से ले लेंगे प्रिंटिंग मार्क्स। तो आगे जी हम प्रिंटिंग मार्क्स पे सबसे पहले आ जाएंगे। मार्क्स में हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमें चाहिए क्रॉप मार्क, हमें चाहिए ब्लीड, हमें चाहिए रजिस्ट्रेशन मार्क, स्टार टारगेट को छोड़ देंगे, कलर बार्स को ले लेंगे और पेज इंफॉर्मेशन। देखो जरूरत तो पड़ेगी हमें पेज इंफॉर्मेशन की, पर यहां से लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ना, कुछ अजीब तरीके से काम करता है। मतलब आप कुछ टाइप करोगे तो वहां स्पेस नहीं हो पाएगा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल सा या अजीब सा मुझे लगता है। मैं इसलिए मैनुअली खुद ही क्रिएट कर लेता हूँ पेज इंफॉर्मेशन, जरूरी नहीं है यहाँ से आपने क्रिएट करना है। तो
यहाँ पे आ जाए पोजिशनिंग में। पोजिशनिंग में यहाँ पे कैनवस आपने रखना है, ठीक है, यूनिट में mm, ऑफसेट में 3 mm, याद रखिए यहाँ पे हमने mm लिया तो ये 3 mm हो गया, ठीक है। ब्लीड मार्जिन में टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में यहाँ पे 3 mm और अप्लाई कर देंगे। तो ये देख सकते हो अप्लाई करते हैं यहाँ पे ब्लीड, क्रॉप बार, रजिस्ट्रेशन मार्क और कलर बार सभी कुछ आ जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि ये कौन सा ब्लीड है और कौन सा क्रॉप मार्क है, हालांकि मुझे पता है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं पहले इसको क्लोज करता हूँ। सबसे पहले एक काम ये करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस के लिए प्रिंटिंग मार्क्स में आ जाएंगे, इसको अनलॉक करेंगे, ठीक है। ये लॉक किया हुआ ही मिलेगा, इसको अनलॉक करना है आपने। सेलेक्ट करेंगे ये वाला जो डैश लाइन है, ये याद रखिए ये होता है ब्लीड, ठीक है। शिफ्ट की प्रेस करते हुए यहाँ पे क्लिक करेंगे, याद रखिए ये स्ट्रोक में है, तो शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस रेड में क्लिक करेंगे तो ये रेड हो जाता है। चारों तरफ से आप देखोगे ये रेड कलर का हो चुका है। वापस से इसको लॉक कर देंगे प्रिंटिंग मार्क्स को, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ कि ब्लीड क्या चीज होती है। देखो ब्लीड का मतलब होता है अपने एक्चुअल साइज से एक्स्ट्रा डिजाइन करना। हम एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं ताकि जो भी हम ऑफसेट में प्रिंट, जब हम प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं तो ऑफसेट में क्या होता है, अगर आपने ब्लीड नहीं लिया और एक्चुअल साइज में आपने डिजाइन करके भेज दिया तो होगा क्या कि आप जब ऑफसेट में प्रिंट करवाओगे तो ऑफसेट क्या होता है, थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रिंट होता है, ठीक है। आपके पेज के बिल्कुल एजिस तक प्रिंट नहीं करता, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ 19-20 का फर्क होता है, लेकिन वो बुरा सा लगता है क्योंकि एजिस में वाइड स्पेस आपको नजर आएगा तो बुरा सा लगता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लीड लेते हैं, यानी कि अपने डिजाइन को एक्स्ट्रा डिजाइन करते हैं। कितना एक्स्ट्रा, 3 mm, यहां से लेकर यहां तक 3 mm का स्पेस है, तो हमने अपने बैकग्राउंड को ब्लीड तक डिजाइन करना होता है, ठीक है जी। ऑलराइट, सो जब हम ब्लीड तक डिजाइन कर लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट के बाद आ जाते हैं कटिंग की बारी। अब वहां पे काम आते हैं ये क्रॉप मार्क, ठीक है, जो कटिंग करता है। आप कटिंग नहीं करोगे, कटिंग ये काम दूसरे प्रोफेशनल करते हैं, आपका काम है डिजाइन करके भेजना, ठीक है। अब जो कटिंग करता है वो इस क्रॉप मार्क को देखेगा, ये चारों तरफ होते हैं, इस क्रॉप मार्क को देखेगा और यहां से एक बार वर्टिकल कटिंग करेगा, ये देखो कुछ इस तरह से वर्टिकल कटिंग करेगा और एक बार इसको हॉरिजॉन्टल कटिंग करेगा। तो ये जो बीच वाला पार्ट है आपका, ठीक है, जो एक्चुअल साइज है वो आपको मिल जाएगा और आपका जो डिजाइन है, आपका जो प्रिंट है वो बिल्कुल एजिस तक आपको नजर आएगा, और ये जो बाहर वाला पार्ट है ये कट के निकल जाएगा, ठीक है जी। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे कि ब्लीड और क्रॉप मार्क क्यों लिया जाता है। मैं इनको डिलीट कर दूं तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसको भी कर देते हैं, ठीक है जी, और एक काम करते हैं अंडू कर देते हैं और ये आ गया। अब आ जाते हैं जी रजिस्ट्रेशन मार्क पे। अब जरूरी नहीं है इसी शेप का होता है रजिस्ट्रेशन मार्क, रजिस्ट्रेशन मार्क कई सारे शेप के बनते हैं, कुछ कुछ लोग कस्टम शेप में भी बनाते हैं, बना सकते हो आप, जरूरी नहीं है। अब रजिस्ट्रेशन मार्क का काम देखिए, रजिस्ट्रेशन मार्क हमेशा प्लेटों को मिलाने के लिए होता है। देखो डिजिटल प्रिंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं ऑफसेट प्रिंट की, ठीक है। अब डिजिटल प्रिंट क्या होती है, देखो किसी और वीडियो में मैं समझा दूंगा, अभी डिटेल में मैं ज्यादा जाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। यूं समझिए कि अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में चीजों को प्रिंट कराना है, 5,000, 10,000, 50,000, 1,00,000, तो आप हमेशा ऑफसेट प्रिंट में ही भेजोगे, क्योंकि ऑफसेट प्रिंट में आपको पर प्रिंट का कॉस्ट बहुत कम पड़ता है। हालांकि प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन पर प्रिंट का कॉस्ट बहुत बहुत कम पड़ता है उसमें। अगर यही चीज आप डिजिटल प्रिंट में करवाओगे तो आपको पर प्रिंट का कॉस्ट बहुत बहुत महंगा पड़ेगा। तो जब भी हम डिजिटल प्रिंट करवाते हैं तो क्वांटिटी देखकर, अगर आप 100, 200, 500 अपने पेज अपने प्रिंट करवाना है इमरजेंसी के लिए, तो आप डिजिटल प्रिंट से करवा सकते हो, लेकिन याद रखिए डिजिटल प्रिंट आपको महंगा पड़ेगा। तो कम के लिए ठीक है, कम क्वांटिटी के लिए ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी के लिए ऑफसेट में प्रिंट आपको भेजना पड़ेगा। ऑफसेट में क्या होता है कि ऑफसेट में चार कलर चलते हैं, सियान, येलो, मजेंटा और ब्लैक। ये चारों कलर मिलके हजारों कलर बनाते हैं। अगर आपने डिजाइन यहाँ पे किया है और कई तरह के आपने कलर लिए हैं
तो ये CMYK के कलर से ही वो सारे कलर बनेंगे, ठीक है जी। अब होता क्या है कि पहले सियान चलेगा, फिर मजेंटा चलेगा, फिर येलो चलेगा और लास्ट में ब्लैक चलेगा। ये जितनी बारी चेंज होता है कलर, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सारा कलर चल जाएगा, ऐसा नहीं है, बारी बारी से कलर चेंज होते हैं। तो जितनी बार कलर चेंज होगा उतनी बार प्लेट चेंज होगा। पहले सियान चला तो सियान का प्लेट लगा के सियान चला दिया। सपोज कीजिए कि 1000 प्रिंट आप निकाल रहे हो, तो 1000 प्रिंट आपने निकाल दिया सियान में, उसको घुमाकर फिर से मशीन में लाए, फिर से इकट्ठा करके लगा दिया और फिर येल्लो चला दिया, फिर उसी तरह से ब्लैक या फिर मजेंटा, येल्लो, जो भी चलाना है चला दिया, ठीक है। तो जितनी बार आप चलाओगे उतनी बार एक प्लेट चेंज होगा, पहले येल्लो सियान, फिर मजेंटा, फिर येल्लो, इसी तरह से। अब जितनी बार आप प्लेट को चेंज कर रहे हो ना, उस प्लेट को मिलाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी रजिस्ट्रेशन मार्क की, ठीक है जी। अब सपोज कीजिए कि पहले तो आपने सियान चला दिया, उसके बाद आपने मजेंटा चलाना है, तो मजेंटा का जब आप प्लेट लगाओगे तो इस निशान के साथ, इस मार्किंग के साथ आपने मिलाना होगा, ठीक है, तभी जाके वो सही जगह प्रिंट होगा, वरना आउट चला जाएगा। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे कलर बार, थोड़ी देर में मैं समझाता हूँ कलर बार क्या चीज है। तो सबसे पहले जी एक काम ये कर लेते हैं कि एक और पेज हम क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हम बैक टू बैक का लेआउट को क्रिएट कर रहे हैं। याद रखिए, बैक टू बैक हो या फ्रंट हो, यही तरीका है क्रिएट करने का। अगर फ्रंट में ही आपने प्रिंट करना है, बैक में प्रिंट नहीं करना है, तो इसी तरीके से आपने लेआउट को बनाना है। अभी रुकिए, अभी इनर मार्जिन क्रिएट नहीं हुआ है, अभी पूरा लेआउट नहीं बना हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे जी, दूसरे साइड के लिए यानी कि बैक साइड के लिए यहाँ आ जाइए, पेज टूल आपको मिल जाता है, यहाँ क्रिएट कर लीजिए, एक न्यू पेज आपको मिल जाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखेंगे, ज्यादा पास में नहीं रखेंगे, थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस पे रखा, ठीक है। ऑलराइट, इतना होने के बाद जी अब क्या करेंगे जी, इन सभी को सेलेक्ट करेंगे ऐसे करके। एक काम करते हैं, यहाँ पे जाएंगे लेयर में, देखिए ये लॉक लगा हुआ, इसको अनलॉक जरूर कर लीजिए। अब सेलेक्ट करेंगे ऐसे करके, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट करेंगे, थोड़ा सा मैं जूम करूंगा और इसको यहां से पकड़ेंगे, कंट्रोल की जरूर प्रेस करिए और ये बिल्कुल सही जगह आके स्नैप हो जाएगा। याद रखिए स्नैपिंग को जरूर ऑन रखना है, स्नैप सही जगह आकर हो जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद डीसेलेक्ट करेंगे। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये ब्लीड तक आपने बैकग्राउंड को लेके आना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहां से पकड़ के ऐसा करके लेके आओगे यू करके, हाँ लाने को ला सकते हो, पर इससे आसान और सही प्रोफेशनल तरीका मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो जी दोनों को आपने सेलेक्ट कर लेना है शिफ्ट की प्रेस करते हुए, और जाएंगे पाथ में, ऑब्जेक्ट टू पाथ कर लेंगे क्योंकि ये अभी बेसिक शेप में है, इसको पाथ में आपने कन्वर्ट करना है क्योंकि हमने पाथ इफेक्ट अप्लाई करना है। डी सेलेक्ट करेंगे, किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, मैंने फ्रंट वाले को सेलेक्ट किया, और उसके बाद जाएंगे हम पाथ में और यहां आ जाएंगे पाथ इफेक्ट में। तो पाथ इफेक्ट में आने के बाद जी यहाँ एरो में क्लिक करेंगे और यहां से ले लेंगे ऑफसेट को। ये ऑफसेट का पैनल ओपन हो जाता है, जॉइंट में मीटर रखेंगे, यूनिट में एमएम कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे भी एमएम लिया हुआ है। ऑफसेट में आ जाते हैं और यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 3 mm का, ठीक है। याद रखिए एक्चुअल साइज से बाहर की तरफ जो हमारा ब्लीड है वो 3 mm के डिस्टेंस में है, तो यहाँ 3 mm डालेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए, ये अपने आप ब्लीड चारों तरफ से चला जाता है, ठीक है, ये देखिए। और वैसे में क्या होता है, आपको चारों तरफ जा जाके इसको बाउंडिंग बॉक्स से पकड़ पकड़ के इसको लाना पड़ता, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जी ये करेंगे जी, फिर से हम इसके इनर मार्जिन को भी क्रिएट करेंगे। इनर मार्जिन हमेशा याद रखिए ये एक्चुअल साइज से 3 mm अंदर होता है, जरूरी नहीं है 3 mm अंदर होगा, हर एक चीज में नहीं होता है, सिर्फ फ्लायर में होगा 3 mm अंदर, जैसे कि आप पैकेजिंग वगैरह बनाते हो उसमें 1.5 mm 2 mm भी अंदर हो सकता है इनर मार्जिन, ठीक है। तो इनर मार्जिन क्या, थोड़ी देर में मैं समझाता हूँ आपको। पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट कर देते हैं, इसका कलर मैं चेंज कर दूं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा जूम करके इसको सेलेक्ट ही रखेंगे, वापस आ जाएंगे ऑफसेट के पाथ में और सिंपली इसमें 3 जो ये वैल्यू है इसके आगे
माइनस कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये देखिए अपने एक्चुअल साइज से ये 3 mm अंदर की तरफ चला आता है। ठीक है, चारों तरफ देखिए आप, ये देखिए चारों तरफ से ये 3 mm अंदर चला आया। ठीक है, अब ये हो गया जी हमारा इनर मार्जिन। इसको ऐसे ही नहीं रखना है, इसको वेक्टर शेप में नहीं रखते हैं, इसको हमेशा गाइडलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेलेक्ट करेंगे, पहले तो पाथ में जाएंगे और ब्रेक अपार्ट कर लेंगे, क्योंकि ये इफेक्ट अभी लगा हुआ है ऑफसेट का, इसमें इफेक्ट को खत्म कर देंगे। फिर से सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे हम ऑब्जेक्ट में और यहां से ले लेंगे ऑब्जेक्ट टू गाइड्स। तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट टू गाइड्स लिया, ये देखिए गाइड में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, पहले हम दूसरी साइड भी क्रिएट कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो थोड़ा सा मैं जूम करके वही चीज करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे और पाथ इफेक्ट में जाकर ऑफसेट को ले लेंगे और यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 3 mm और ये लीजिए। ठीक है, अब इसी को राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करेंगे और उसका कलर मैं ग्रीन कर दूंगा और वापस आएंगे यहाँ पे और 3 mm लेके एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देख सकते हो ये अंदर की तरफ आ गया। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट रखेंगे और जाएंगे पाथ और यहाँ पे ब्रेक अपार्ट करेंगे, फिर से जाएंगे ऑब्जेक्ट एंड यहाँ से ले लेंगे ऑब्जेक्ट टू गाइड्स। तो ये देखिए यहाँ पे भी गाइड्स क्रिएट हो गए हैं। राइट, ऑलराइट, अब इनर मार्जिन क्या चीज है मैं आपको बता दूं। देखिए इनर मार्जिन का मतलब एक अंदर वाला दायरा। ठीक है, अब कोई भी चीज आप दायरे के अंदर रखेंगे वो बहुत अच्छी लगती है, अब दायरे से बाहर जाती है तो बहुत बुरी सी लगती है। तो इनर मार्जिन का मतलब आपके इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर आएंगी, जैसे टेक्स्ट हो गया, लोगो, QR कोड, बार कोड, आइकन, ये सारी चीजें इस दायरे के अंदर रहती है, इससे बाहर नहीं जाती है। आपका बैकग्राउंड ब्लीड तक जाएगा पर वो चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो सारी इस सेफ जोन, इसको सेफ जोन भी कहा जाता है, इनर मार्जिन भी कहा जाता है, इसके अंदर रहती है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होता है कि जी आपने अगर इनर मार्जिन नहीं लिया और कोई चीज जैसे कि यहाँ पे टाइप कर देता हूं मैं कुछ और इसको कलर को मैं चेंज कर देता हूं ऐसे। ठीक है, अब आपने टाइप कर दिया और यूं आपने कहीं एजेस के आसपास रख दिया इसको, अब होगा क्या कि जी ये प्रिंट होने के बाद जब कटिंग होगा तो कटिंग होने के बाद थोड़ा सा भी अगर आउट चला गया, क्योंकि ये एजेस के आसपास है, थोड़ा सा भी आउट चला गया तो आपका टेक्स्ट कट जाएगा। अब जरूरी नहीं है टेक्स्ट, आइकन होगा तो आइकन कटेगा, लोगो होगा तो लोगो कट जाएगा, तो वो बहुत बुरा सा लगेगा। तो इसलिए चीजें हमेशा दायरे के अंदर होगी तो वो हमेशा अच्छी लगती है। ठीक है, अब मैं ये करूंगा कि जी बैकग्राउंड को, दोनों बैकग्राउंड को मैं पहले सेलेक्ट कर लूं और मैं इसको कर देता हूं व्हाइट कुछ इस तरह से। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे कलर बार में। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैं पहले कहा ऑफसेट में हमेशा 4 कलर चलता है। ठीक है, सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक। तो ये जब चलता है उससे पहले मशीन इस पट्टी को, इसको पट्टी भी कह लीजिए या CMY के कलर बार कह लीजिए, बहुत से लोग कलर बार भी कहते हैं, तो कलर बार को पहले स्कैन करता है, पहले देखता है कि इसमें क्या क्या कलर है। अब नॉर्मल जितने भी कलर होते हैं वो 4 कलर से ही मिलके हजारों कलर बनाते हैं। अब कोई ऐसा कलर आपने ले लिया जो इन 4 कलर से मिलके बन नहीं रहा है, सेम वैसा कलर नहीं बन रहा है, तो आप क्या करोगे कि पेंटोन का कलर यूज करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी यूज करना है और इंक भी पेंटोन का लेना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि आपने डिजाइन में से पेंटोन कलर यूज किया है और इंक में आप पेंटोन कलर यूज नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, इंक में भी पेंटोन कलर यूज करना पड़ता है, एक अजीब सा कोई कलर। अब सपोज कीजिए, यहां मैं एग्जाम्पल के बता रहा हूं कि यहाँ पे मैंने एक स्वाचेस बना लिया और एक अजीब सा कोई कलर मैं ले रहा हूं, लाइक कुछ इस तरह का कलर। यूं समझिए कि ये एक कलर है जो कि इस CMY के कलर से मिलके बन नहीं रहा है या सेम कलर नहीं बन रहा है। तो सेम कलर जब नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे कि हम पेंटोन के कलर लेंगे। ठीक है जी, अब पेंटोन के कलर लेकर फिर उसका एक यहाँ पे कलर बार के साथ लगाएंगे, जैसे कि CMY के कलर तो है ही, साथ में हमने एक्स्ट्रा कलर भी लिया है तो उसका भी हमने यहाँ पे लगा दिया। अब होगा क्या कि जब प्रिंटिंग में जाएगा ऑफसेट यहाँ पे स्कैन करेगा, वो देखेगा क्या क्या कलर है इसमें, फिर उसके बाद कलर
में प्रिंट करना शुरू करेगा। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है कलर बार। कलर बार का लगाना जरूरी होता है। ठीक है, और अब आ जाते हैं जी इंफॉर्मेशन, अगर आपने देनी है तो वो कैसे दे सकते हो जी। मैं जैसे मैंने कहा कि मैं हमेशा मैनुअली इंफॉर्मेशन देता हूं, मैं वहां से क्रिएट नहीं करता हूं। तो इंफॉर्मेशन देना तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और जो भी इंफॉर्मेशन देना हो, जैसे कि ए फोर फ्लायर बैक टू बैक, ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन देनी हो जैसे कि पेपर का थिकनेस या उसका जीएसएम वगैरह, वो टाइप आप कर सकते हो, और भी कुछ टाइप करना हो तो कर सकते हो। वो सारी इंफॉर्मेशन इसी तरह से दिया जाता है। देखो जब आप प्रिंट कराने के लिए दोगे, जो मुंह से बोलोगे आप, हो सकता है अगला ने सुन लिया, सुनने के बाद वो भूल गया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर वेस्टेज जाएगा, क्योंकि जो भी प्रिंट होगा अगर गलत प्रिंट हो गया तो वो ठीक नहीं हो पाएगा, उसको फेंकना ही आपने पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा इनको टाइप करके दिया जाता है। ठीक है, ऑलराइट, सो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो ये है जी हमारा प्रिंटिंग का लेआउट फ्लायर का, जो कि हमने बैक टू बैक का एक फ्लायर का प्रिंटिंग का लेआउट क्रिएट किया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए तो देखिए लेयर एंड ऑब्जेक्ट्स में आकर जब भी आप इस तरह से बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना प्रिंटिंग मार्क्स को लॉक रखना हमेशा। ठीक है जी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो लेआउट है वो अगर खराब हो गया, अगर यहां से कुछ भी मूव हो गया, इन सभी चीजों को आपने लॉक रखना होगा, यहां तक कि इन गाइडलाइंस को भी लॉक ही रखिए। इसको लॉक करने के लिए यहां आ जाइए, देखिए ये ताला है, इस पर क्लिक कीजिए, ये लॉक हो गया, अब ये कहीं भी नहीं जाएंगे। और बैकग्राउंड है जी, बैकग्राउंड वाला यहाँ पे इसका नेम आप चेंज करना चाहते हो तो कर दीजिए, जैसे कि मैं बीजी कर रहा हूं, और बैकग्राउंड को भी आपने लॉक करना है तो यहाँ से कर सकते हो, आपका बैकग्राउंड भी मूव नहीं होगा। उसके बाद आप डिजाइन बना सकते हो। कैसे डिजाइन बनाएंगे इसको अलग किसी और वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले इंकस्केप के ट्यूटोरियल लिए एक बार फिर से मैं आऊंगा एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।